स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल आर्डर एक्सप्लोरिंग इंडिया में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत माता मंदिर, जो कि बनारस में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसको 1936 में बनवाया गया था और इसका उद्घाटन श्री महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था बनाने में कि भारत की अखंडता को दिखाया जाए कि भारत एक है और हम सभी भारत माता के वासी हैं। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल में बने रहिएगा वीडियो में और मैं आपको अधिक जानकारी दूंगा, आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ क्या विशेषता है इसकी और इसके बारे में और क्या आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भारत माता मंदिर देखिए, यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए मंदिर को। तो दोस्तों, आप देख रहे हो ये भारत माता मंदिर है। इसकी विशेषता है भारत का मानचित्र जो संगमरमर के ब्लॉक में दर्शाया गया है, हिमालय और सारे स्टेट वगैरह, अखंड भारत को दर्शाया गया। देखिए, इन लोगों के द्वारा ये मंदिर में योगदान दिया गया, उनके इधर नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये श्रीलंका जो अखंड भारत का हिस्सा था, और आप इधर से देखेंगे नीलगिरि पर्वत और उधर पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा अखंड भारत का पार्ट था जो आज़ादी से पहले, वो सब इसमें दिखाया गया है। अब ऊपर की रेंज देख रहे हो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, तो बहुत ही अच्छा बनाया गया है अंडमान निकोबार। ये इधर से आप देखोगे तो आपको हिमालय का पीक पॉइंट दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो सामने जो आपको दिख रही है हिमालय की पहाड़ियाँ, और जो सबसे ऊंची पहाड़ी दिख रही है वो हिमालय है। देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है आप देख रहे हो, और ये बंगाल है, और ये पूरा हिमालय के रेंज ऊपर नेपाल वगैरह सब जो अखंड भारत के हिस्सा था वो पूरा इसमें दिखाया गया। ऊपर जाके देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता है क्या, लगता है बंद किया हुआ है। हाँ, ये बंद किया गया है। इधर से भी अच्छा दिखता है। तो अभी ये लॉक है तो अभी अंदर नहीं जा सकते, नीचे से मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, इधर जो जितने भी राज्य हैं हमारे इंडिया में, वहाँ से मिट्टी ला कर रखी गई थी और ये बनाया गया जो अखंड भारत का हिस्सा थे, राज्य थे। और जो ये बनाया गया है, ये नक्शा, वो संगमरमर के पत्थरों पर बनाया गया,
देख सकते हो ये ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक है, उनके ऊपर आकृति बनाई गई है, देख सकते हो। ये बनारस कैसे है आप देख पा रहे हो, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, श्रीलंका, ये सब नाम आपको दिखे हैं। और ये दीप है भगवान, और जो आपको ये जो काला काला दिख रहा है ये समुद्र है, बंगाली खाड़ी, वो बंगाली खाड़ी है, ये हिमा सागर है। यहाँ पर जो मानचित्र बनाए गए थे वो अभी ख़राब हो गए, अच्छे से दिख नहीं रहा, तो गवर्नमेंट को ज़रा इसके बारे में पूछना चाहिए। ये जो मानचित्र विलुप्त हो रहे हैं उनका जीर्णोद्धार कराना चाहिए, ये अपने देश की धरोहर है। और ऐसा विश्व के अंदर एक ही मंदिर है जो अपने देश के बारे में गुणगान करता है, उसकी अखंडता के बारे में हमको बताता है, जो हमारा इतिहास है उसको जानने के बाद जो हमको अंदर हमारे अंदर जो खुशी होती है उससे पता चलता है कि ये कितना विशाल इतिहास है अपने भारतवर्ष का। और ये आज की जनरेशन को शायद इसके बारे में पता नहीं है, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को बताएं अपने देश की अखंडता प्रभुता के बारे में, और कितना विशाल देश है अपना, इतनी इतनी अलग अलग परंपराओं भाषाओं का एक देश, जो ऐसे देश विश्व में कहीं नहीं है। तो ये हमारा अच्छे कर्म है जो हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, और हमको भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए सभी को योगदान करना है। बाहर इतने जो गार्डन वगैरह हैं उनकी रखवाली हो रही है, इधर यहाँ के जो वर्कर हैं उनके पार्ट्स बने हुए हैं, और ये जो मंदिर के पीछे का भाग है, आजू बाजू में बिल्डिंग बन गई है, पहले कुछ नहीं था इधर, देखिए ये मंदिर है अंदर से, देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छी तरह से जानकारी दी है भारत माता मंदिर के बारे में, और मेरी ऐसी सोचना है कि आप लोग बनारस में आएँ तो भारत माता मंदिर ज़रूर आएँ, जिससे पता चलेगा कि अपने अखंड भारत के बारे में आज़ादी से पहले कैसा था और हमने क्या पाया है और क्या खोया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और काफ़ी मेरे वीडियो थोड़े लेट आते हैं क्योंकि जॉब की वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रॉयल राइडर एक्सप्लोरिंग इंडिया, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक
करें। धन्यवाद दोस्तों।